रूल नंबर क्या कहता है आपका बी कॉशियस वेन यूजिंग एजेक्टिव दैट एंड इन एल ओके तो ये बहुत ज्यादा एक दिक्कत थी बात ओके कई लोगों को ये लगता है कि एक वर्ड है और उसका एंड क्या हो रहा है एल वाई से हो रहा है तो वो आपका एडवर्ब होता है ऐसा नहीं होता ओके कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके एंड में एलवाई लगाता है वो आपके एडजेक्टिव होते हैं अब कैसे आपको ये आइडेंटिफाई करना देखिए कभी भी आपका नाउन होगा ओके okay? एक वर्ड है जो नाउन है और उसके साथ अगर हम एलवाई लगाते हैं तो ये बन जाता है आपका एक एडजेक्टिव ठीक है एक एडजेक्टिव है और उसके साथ अगर हम क्या करते हैं एलवाई लगाते हैं तो ये बन जाता है आपका एडवर्ब सिंपल साफ फंडा ये आपको ध्यान रखना और इसी के हिसाब से आप इस तरीके की क्वेश्चन को इजिली कर पाएंगे ओके okay? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आपका जो एडजेक्टिव्स क्या होता है एलवाई पर समाप्त होते हैं उनका उपयोग आपसे आपको ध्यान से करना है क्योंकि कई बार क्या होता है वो वर्ड जो एलवाई लगा होता है जिनके एंड में उनको हम एडव कंसिडर कर लेते हैं वो गलत हो जाता है तो एडवर्व की प्लेस पे उनको यूज कर लेते हैं लेकिन होते हुए एजेक्टिव है ओके एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है आपका ही इज अ कावर्ड बॉय ओके तो यहाँ पे आपका देखेंगे बॉय आपका नाउन है ओके okay? और जो आपका कावर्ड है ना ये भी आपका क्या है एक नाउन है क्लियर है अब इसके साथ अगर हम एलवाई लगाएंगे ना तो आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा आपका कावर्डली ये आपका एडजेक्टिव है जैसे कि मैंने बताया नाउन प्लस एलवाई दैट इज एन एडजेक्टिव ओके एडजेक्टिव प्लस एलवाई दैट इज एन ओके तो यहाँ पे आपका कावर्ड नहीं आएगा इट शुड बी आपका कावर्डली जो आपका एडजेक्टिव है तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका ही बॉय क्लियर है

अब नाउन है तो इसके साथ हम क्या कर देंगे एलवाई लगा देंगे और एजेक्टिव बना देंगे तो क्या होगा आपका माइजरली तो ये हो जाएगा आपका यू आर वेरी माइजरली क्लियर है सुनने में गलत लग रहा है लेकिन सही यही है क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है नाउन के साथ एलवाई दैट इज एन एजेक्टिव ओके इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है आपके देखो जैसे आपका कावर्ड है एलवाई लगाएंगे तो कावर्डली ये आपका एजेक्टिव हो जाएगा माइजर का माइजरली फुलश आपका एजेक्टिव ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा पैसमिस्ट pessimist, पैसमिस्टिक हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे आपका डिफरेंस ए में है और ई e में ये आपको ध्यान रखना है ए में है और आपका ई e में ओके okay? तो इन दोनों को ये कंसिडर मत करना सेम है डिफरेंस है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी इससे रिलेटेड आपके कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके सेंटेंसेस है ओके okay? इनका आंसर आपने कमेंट में करना अच्छा ये वाला बता बताते दे तो वाला देखो क्या लिखा हुआ ही इज टू टू अंडरस्टैंड इट ओके तो टू जो है ना वो आपका एडवर्ब है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका नाउन होना चाहिए या फिर एडजेक्टिव होना चाहिए ऑब्वियसली भाई एडजेक्टिव होना चाहिए टू एडवर्ब क्या करेगा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा नाउन को थोड़ी करेगा समझ लो तो यहाँ पे क्या होगा आपका ही इज टू फुलिश ओके तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है ओके okay? तो इससे रिलेटेड आपके चार क्वेश्चन है इनका आंसर आपने कॉमेंट में करना है तक तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं दैट इज रूल नंबर क्या कहता है आपका यूज फेयरली फॉर अप्रूवल एंड रेदर फॉर डिसअप्रूवल अच्छा एक चीज हम लोग ध्यान रखते हैं कि रेदर को हम हम हमें ये माइंड में रहता है कि रेदर को हम क्या करते हैं अनप्लीजेंट एजेक्टिव के साथ यूज करते हैं और फेयरली को जो प्लीजेंट एजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं ऐसा नहीं है फेयरली को वहां यूज करना जहां आपका अप्रूवल मिले चीज से ओके okay? सेंटेंस में अप्रूवल दिखा रहा है किस चीज का किसी एक्जेक्टिव के थ्रू ओके okay? तो वहां पे क्या आपको फेयरली यूज करना करना डिसअप्रूवल दिखा रहा तो वहां पे क्या है आपको रेदर यूज करना कैसे देख लो एक सेंटेंस लिखा हुआ आपका ही इज रेदर टॉल सो दे सेलेक्टेड इन अब यहाँ पे जो टॉल है ना ओके okay? लंबा होना ठीक है क्या हो सकता है आपका बुरा होगा क्या नहीं होगा ओके okay? अच्छा होगा क्या नहीं मतलब कई जगह अच्छा भी हो सकता है कई जगह गलत भी हो सकता है हर जगह सही चीज नहीं होती ना ओके तो यहाँ पे ये यह चीज आपको अब आप यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि टॉल के साथ आपका फेल ये होना चाहिए रेदर होना चाहिए अब यहाँ पे देखो सेंटेंस देखेंगे क्या लिखा है आपका ही इज रेदर टॉल सो दे सेलेक्टेड इन अगर हम किसी व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके टॉल होने पर तो इसका मतलब उसका जो टॉल होना है वो क्या है अप्रूवल दे रहा है या फिर डिसअप्रूवल दे रहा है

इनका आंसर आपने क्या करना है कॉमेंट में करना है चलिए तीन है तीनों का आंसर आपने कॉमेंट में करना है मिलते इन द दे नेक्स्ट सेक्शन ओके okay? टिल देन जय जय भारत